अब दूसरे सेशन के लिए फ्रेंड्स मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ टीचिंग सेशन के लिए, मैं उनके बारे में बताऊँ तो वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। हम लोग बिजनेस में जब आए थे तो साथ साथ ही शुरू किए थे। मैंने उनको बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हुए देखा है। जब वो बिजनेस में थी तो आई थी तो बच्चे उनके जस्ट बॉर्न थे और आज बड़े हो गए हैं। तो मैंने उनकी फोकस को, उनकी विजडम को उस समय से देख रही हूँ। उन्होंने बहुत सेल्फ ग्रोथ की है और अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। तो इस जर्नी में उनकी ग्रोथ दिखती है और उनकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव है जो आप अभी जब उनको सुनेंगे तो खुद फील करेंगे कि उनकी वाइब्रेशन को आप फील कर सकते हैं, जो कि बहुत जितनी सुंदर दिखती हैं बहुत ही सुंदर भी हैं। और जितनी सुंदर उनकी खास बात है कि जितनी सुंदर वो दिखती हैं उतना सुंदर उनका दिल भी है और बहुत ही सोल कॉन्शियस हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत जोरदार तालियों से सबके बुलाना चाहूंगी अर्चना श्रीवास्तव जी, आप अपनी विजडम को शेयर करें। कम ऑन डिजिटल स्पेस, अर्चना श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच रहना जी, बट थैंक्स लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये सेशन मेरे लिए एक ऑनर है और आज मैं जो भी बात करूंगी ना वो आपसे, वो मैंने यहीं से सीखा हुआ है, यहाँ की किताबों से, यहाँ की लिंक सीरीज वीडियोस और यहाँ के लीडरशिप से। तो जो सबसे ज्यादा मैंने सीखा हुआ है वो अपने मेंटर से सीखा है, डे वन से, फर्स्ट डे से। और वो हमारे मेंटर है मिस्टर मनोज अग्रवाल जी और मिसेस संगीता अग्रवाल जी। फ्रेंड्स अगर मनोज जी की बात करें ना, तो चाहे वो फाइनेंस का मैटर हो चाहे स्पिरिचुअलिटी का मैटर हो, वो इतना स्ट्रांगली परसू करते हैं। और मुझे लगता है कि वो इतना स्ट्रांग पार्ट इसीलिए उनका है क्योंकि बिकॉज दे लिव इन दैट, उसमें जीते हैं, वो सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ वो उसमें जीते हैं। और फ्रेंड मैं थैंक यू कहूँगी तहे दिल से कि वो हम सब के मेंटर हैं और हम लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन के एक एक पार्ट, एक बूंद की तरह, एक अंश की तरह हैं। थैंक्स टू मनोज जी एंड संगीता जी, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक्स कहूँगी अपने हस्बैंड का कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मेरे लिए प्रोवाइड किया। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि मैं इस पर काम कर पाऊँ और मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊँ। फ्रेंड्स इस बिजनेस की बात करूँ तो कई बार नए बहुत सारे लोग प्लान देखते हैं, डेमो देखते हैं और बिजनेस करना भी चाहते हैं, बिल्ड भी करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस के जो ये हम लोग की मीटिंग्स होती है, इनफैक्ट इसको मीटिंग तो एक वर्ड है, इसको हम क्लास कहेंगे, इस क्लास में आने से हेजिटेट करते हैं या नहीं आते या नहीं आना चाहते हैं, जो भी है। फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि जब हम इस बिजनेस के लिए लोगों को बाहर अप्रोच करते हैं ना, तो हमारे साथ दो सिचुएशन होती है, एक होता है रिजेक्शन और दूसरा होता है सेटिस्फेक्शन। अगर रिजेक्शन की बात करें और जब ये रिजेक्शन आता है तो इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उस टाइम हमें अपना थॉट प्रोसेस सही रखना है, क्या हमारा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए और क्या हमारा डायमेंशन होना चाहिए, वो सब कुछ इस क्लास से ही हम सीखते हैं। डायमेंशन की बात करें तो आपको कुछ एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे कि एक बार एक बस में एक व्यक्ति सफर कर रहा था और उसके चार बच्चे थे, वो छोटे छोटे से बच्चे थे और वो बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे कि कभी लोगों के चश्मे को ले ले रहे थे, कभी शोर कर रहे थे, किसी की सीट पे पहुंच जा रहे थे बहुत ज्यादा। तो वहाँ सारे बस के पैसेंजर परेशान हो गए। थोड़ी दूर आगे जाके ये बस थोड़ी रुकी तो एक पैसेंजर उठ के बहुत ही गुस्से में जाके उस व्यक्ति से बोला कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपके बच्चे इतनी ज्यादा शैतानी कर रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं। तो वो आदमी बहुत ही शांत मन से, बहुत आराम से बोलता है कि आज इनकी माँ गुजर गई है और इन बच्चों को पता नहीं है। और ये सुनते ही वो आदमी चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाता है और जो अभी तक बच्चे उनके लिए एक हेडक हुए थे, जो उनको परेशान कर रहे थे, जो उनकी शैतानियां दिख रही थी, वो थोड़ी देर में पूरे बस के पैसेंजर बहुत स्माइल के साथ उन बच्चों की हरकतों को एंटरटेन करने लगे। फ्रेंड्स यही हमारा डायमेंशन। कई बार हम बिजनेस में जब लोगों के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं इनके पास अपना मकान है, इनका अपना घर है, इतना सब कुछ है, तो ये बिजनेस क्यों नहीं कर रहे या प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ले रहे। फ्रेंड्स हमें उनको उनके डायमेंशन से सोचना पड़ेगा। मे बी उनका जो मकान हो ईएमआई पे हो, मे बी उनका जो कार है जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा, हो सकता है वो ईएमआई पे हो,
हो सकता है वो कुछ स्ट्रेस में हो जिसकी वजह से वो इस बिजनेस के लिए या डेमो के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें उनके डायमेंशन से सोचना ही पड़ेगा। और जब हम रेगुलर बार बार इस क्लास में आते हैं और बार बार यहाँ के लीडर्स से अलग अलग एक्सपीरियंस सीखते हैं, अलग अलग बातों को सुनते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जॉब बैकग्राउंड से हैं, कोई प्रोफेशन से हैं, जब हम उसे समझते हैं, उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं, तब हम इस रिजेक्शन को सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और पता है जब हम बार बार सुनते हैं और समझते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मनोज भैया हमेशा कहते हैं कि सीखने वाला एटीट्यूड, जब हम सीखने के प्रोसेस में आ जाते हैं ना, तो ये जो रिजेक्शन है वो ग्रेस बन जाता है, वो हमारे लिए एक दिन ग्रेस का काम करता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज जब करना स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो हमारे हाथ पैर में बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं, और लगता है कि बस अब छोड़ दे, अब एक्सरसाइज ना करें, योगा ना करें, कुछ भी ना करें, क्योंकि पूरा शरीर दर्द होता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस उसको करते रहते हैं तो वही शरीर हमारे लिए ताकत बन जाता है, वो स्ट्रेंथ आ जाता है। तो फ्रेंड्स यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इस क्लास में रेगुलर बने हुए हैं तो ऑटोमेटिक जितने भी रिजेक्शन है वो हमारे लिए ग्रेस बन जाएंगे। फ्रेंड्स इस बिजनेस में ना हमारे पास बेस्ट सप्लीमेंट है, हमारे पास इतने अच्छे सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं कि बस हमें इतना करना है कि हमें उन पर कमांड बनानी है और हमें अपना बनाना है। पता आज के टाइम में जो डिजीज़ हो रही है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे शुगर, बीपी या डायबिटीज़। तो फ्रेंड्स हम आज थोड़ा शुगर के बारे में यानी कि डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा आपसे बात करेंगे कि एक्चुअली ये क्या है, इससे हमें घबराना नहीं है, इसको हम अपने प्रोडक्ट से मैनेज कर सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर में जाने के साथ ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर के खून में फ्लो करता है, दौड़ता रहता है। और उसके बाद जो हमारे शरीर में एक और आर्गन है पैनक्रियास, और पैनक्रियास का काम है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना, और यही इंसुलिन उस ग्लूकोज को हमारे खून से पकड़ करके हमारे सेल्स में पुश करता है। और जब हमारे सेल्स में ये ग्लूकोज चला जाता है तो वो वहाँ ऑक्सीजन के साथ मैच करता है और वहाँ पे एनर्जी फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यही है पूरा एनर्जी का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये समझना है कि एक कंडीशन और आती है कि इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को हमारे सेल तक नहीं पहुँचा पाता किसी वजह से, बहुत सारे रीज़न होते हैं, सेल के अंदर नहीं जाता है। तो जब सेल के अंदर नहीं जाता है तो वो इस कंडीशन होती है डायबिटीज़ की, वो शुगर हो जाता है। अगर उस टाइम हम ब्लड टेस्ट कराएं तो हमारा ब्लड लेवल हाई आएगा फ्रेंड्स। तो अब जब अगर इस तरह का डायग्नोस हो जाता है तो हम में से बहुत सारे लोग मेडिकेशन पे चले जाते हैं, बहुत सारे लोग होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है ये सब तो करना है, होम रेमेडी भी करना है, मेडिकेशन पे भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ हमें एक कॉन्सेप्ट को और समझना है। देखिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक जग का भरा हुआ पानी हो और उसमें हमने एक कटोरी चीनी डाल दी एक बाउल भर करके, राइट, और उसके बाद हम उसमें बहुत सारे होम रेमेडी जैसे नीम की पत्ती डाल रहे हैं, सौंफ डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ पानी के टेस्ट में परिवर्तन करता है। जो शरीर के अंदर चीनी है, जो उस जग में एक कटोरी चीनी है, वो नहीं वहाँ से हट रहा, वो वही है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे, फिर वो चीनी को कैसे निकालेंगे? फ्रेंड्स बहुत ईजी है, इस चीनी को निकालने के लिए हमें अपने खाने में डाइट में फाइबर ऐड करना है, और हमारे पास फाइबर बेस्ट फाइबर है जिसमें कॉर्न और वीट और राइस से बेस्ट फाइबर है। और फाइबर क्या करता है, वो ग्लूकोज से चिपकता है और एक्सक्रीट कर जाता है, यानी कि ग्लूकोज को चिपका करके यूरिन के द्वारा हमारे ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है फ्रेंड्स। लेकिन फाइबर की अगर हम बात करें तो ये मत समझिएगा कि हम दिन में 10 ग्लास फाइबर ही पीने लगे घोल घोल के, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो हमारा रिकमेंडेड डोज है उतना ही फाइबर लेना है हमें, और उसके साथ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर ऐड करना अपने खाने में। और वो क्या है, वो है हमारे फ्रूट्स, अलग अलग फलों के सैलेड, अलग अलग सब्जियों के सैलेड और स्प्राउट्स। अगर हम अपने डाइट में फाइबर ऐड करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आज के टाइम में लाइफस्टाइल के जितने भी चैलेंज हैं उनको मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इसको हमें समझना है। और उसके साथ जब हमें किसी को भी डायग्नोज हो जाता है शुगर यानी डायबिटीज़, तो होता क्या है कि जब एनर्जी नहीं फॉर्म होती है वहाँ पे, तो प्रोटीन एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए सबसे पहले जैसे ही डायबिटीज़ होता है हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है, प्रोटीन यानी हमारे सेल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा भी रिच रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करना हमको।
उसके बाद होता क्या है कि डायबिटीज का बहुत सारा साइड इफेक्ट आता है हड्डियों पे, हमारी आंखों पे, हेयर्स पे, स्किन पे, तो हमें उसके लिए अपने सप्लीमेंट यानी कि मल्टी विटामिन को लेना है, जिसमें 13 अलग अलग विटामिन और 11 मिनरल है। और उसके साथ ही हमें अपने खाने में, डाइट में ओमेगा 3 ऐड करना है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, ये हमारे एसडीएल, एलडीएल और बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो मेंटेन करता है। और जो सबसे एक खास बात है, ये हमारे शरीर को लचीलापन देता है, हमारे हड्डियों को, हमारे मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो हम सबको पता है कि हम लोगों को डेली रूटीन में पीडीओ लेना है, प्रोटीन डेली ओमेगा। तो फ्रेंड्स, आज से हम ये कहेंगे कि आज से हमें अपने डाइट में एफपीडीओ लेना है, एफ मतलब फाइबर, एफपीडीओ लेना है। और अगर हम इसको डाइट में अपने शामिल करेंगे तो ये सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, जितने भी लोग हम सब हैं यहाँ पे, सबको हमें एफपीडीओ फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हम सब में अगर चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोगों में हमें फाइबर की कमी दिखती है, कमी रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमें अवेयर होना है, अपने डाइट में इन सप्लीमेंट को सही तरीके से यूज करना है और अपने नियर डियर को भी इसे बताना है। तो आज से हम लोग फॉलो करेंगे क्या, एफपीडीओ, राइट? ओके। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कुछ सप्लीमेंट्स की बात, और इसके बाद बात करेंगे, अभी मनोज भैया बात कर रहे थे मन की, तो फ्रेंड्स आज हम भी थोड़ा मन की बात करेंगे कि जब हम इस जीवन को जीते हैं ना, तो हमारा मन बहुत विचलित होता है, राइट? ये मन है क्या एक्चुअली? अगर मन को कहें तो मन एक सोच है, और ये करता क्या है, ये सिर्फ भागता है, इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ वो भागता रहता है। आप चेक करिए, आपको देखिए, सिर्फ मन भागता रहता है, और भागता कहाँ है, वो इधर और उधर, यहाँ और वहाँ, मन ऑलवेज इधर उधर भागता रहता है। और ये इधर और उधर क्या है, ये है हमारा पास्ट और फ्यूचर। अगर हम चेक करेंगे तो ये कभी हमारे पास्ट की सोच में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है, कभी हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया मेरे को, या सबके सामने बोल दिया, या कभी कभी लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, फ्यूचर की बात, कि ये हो सकता है मेरे साथ ऐसा उन्होंने प्लानिंग किया, मेरे साथ कर दे। तो हमारा जो मन है ना, वो पूरे टाइम पास्ट और फ्यूचर में भागता रहता है, और यही है इन द फॉर्म ऑफ राग द्वेष यानी इम्प्योरिटीज। फ्रेंड्स, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए, सही सुख चाहिए, तो हमें प्रेजेंट में रहना होगा। और जैसे मनोज भैया बोल रहे थे कि अपने मन का मालिक, यानी कि मन का मालिक तभी रहेंगे हम जब प्रेजेंट में रहेंगे, जब हम दूसरों की बातों से गवर्न नहीं रहेंगे, दूसरों की बातों का कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें ऑलवेज रहना है अपने प्रेजेंट में, और ये प्रेजेंट में रहने के लिए देखिए, ये इतना आसान नहीं है। हमें पता है कि मन पूरे टाइम चंचल है, वो भागता रहता है, इतना आसान नहीं है, वो कभी किसी कहीं जुड़ जाता है, कभी निकल जाता है, फिर जुड़ जाता है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन और हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये भी सच है कि हम बिल्कुल 100% अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें को एक क्लियरिटी हुई, मेरे को एक रास्ता दिखा, एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि मन को जब भी मन कहीं और जाए और किसी की बातों से दुखी, सुख या दुख, पास्ट या फ्यूचर में क्या सुख या दुख होगा, आशा निराशा होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा तो उसे पकड़ करके खींच के हमें प्रेजेंट में लेके आना है। और इस मन को बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे होते हैं ना, जिनके छोटे बच्चे हैं उसको इसको बहुत समझ सकते हैं अच्छे से, कि छोटे बच्चे कई बार पानी की तरफ खूब भागते हैं, कई बार आग की तरफ खूब भागते हैं, ये जो काम मना करिए उधर खूब भागते हैं। तो ये मन भी हमारा बिल्कुल वैसे ही बच्चे की तरह, हमें पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा कि अगर कभी किसी पुरानी चीजों से वो दुखी हो रहा है, छोड़ो यार कोई बात नहीं, अभी प्रेजेंट में आ जाओ, जो हुआ सो हुआ, दैट्स इट, अब आगे की गति लेते हैं। तो जब आप इस तरह का अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करेंगे, एक सोच डेवलप करेंगे, तो हम प्रेजेंट स्थिति में धीरे धीरे आना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें, अगर कोई मानसिक असंतुलित व्यक्ति है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं उनको कि अगर हम उनको खाना खिला दिए हैं और बैठा दे, तो वो थोड़ी देर बाद फिर खाना मांगने लगते हैं, या हमको खाना दे दे तो कहते नहीं हम खाना खा चुके। तो अगर हमें प्रेजेंट में हमें आना है, तो हम अपने को भी देखें कि हम कहाँ हैं। देखिए, अभी हम सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ मीटिंग में हैं, पर बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा कि यार आज स्कूल से कॉपी मिली थी चेक करने के लिए, लेकिन मेरे को कॉपी चेक करनी है। बहुत सारे लोगों को ये याद आ रहा होगा कि मेरे को अभी किचन में जाके खाना बनाना है। अभी हम सब प्रेजेंट में मीटिंग में हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे चल रहा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये ध्यान आ रहा होगा कि अर्चना जी जल्दी से अपनी टॉक खत्म करें और जाके हम जल्दी से बच्चों को खाना खिलाएं, मैं भी ऐसा कुछ ध्यान आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें होती रहती है, बस हमें उस टाइम पकड़ करके, थोड़ा अवेयर होके, थोड़ा अलर्ट होके, थोड़ा अलार्म लगा करके, हमें वापस खींच करके अपने मन को प्रेजेंट में लाना है। और जैसे जैसे हम करने लगेंगे ना, इसमें बहुत आनंद आएगा। फ्रेंड्स देखिए, जीवन में पैसा तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है, पैसा तो हम सबको चाहिए,
और पैसा कमाना भी जरूरी है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम में जो भी लोग हैं उनको बहुत सारा पैसा कमाने की आजादी है, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बोला जाता है कि आप खूब कमाइए। और लेकिन उन्होंने वहां पे ना एक रूल लगा दिया है कि जब हम पैसा कमाएंगे तो हम कुछ रूल रेगुलेशन से लगाएंगे कमाएंगे। और वो रूल क्या है उसको हम लोग समझते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि जब भी हम कोई काम करें तो जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है उसको चेक करें कि उसकी वजह से किसी व्यक्ति को या समाज में कोई अहित नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप को देखें, इस बिजनेस को देखें, एमवे बिजनेस को देखें, तो अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, सपोज हम अपनी बात करें या अपने जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ की बात करें, तो यहाँ तो ग्रोथ हुई है, यहाँ तो हम सब लोग चेंज हुए हैं, हमने कुछ सीखा है, कुछ चेंज किया है, कुछ अपने अंदर लेके आए हैं। तो हमें जो शास्त्रों में बताया गया कि जो भी हमारा आजीविका का माध्यम है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो ऐसा होना चाहिए कि वहां से किसी व्यक्ति को या समाज को कोई अहित नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ हर व्यक्ति ग्रो कर रहा है, किसी व्यक्ति का तो अहित होना ही नहीं है। और अगर हम समाज की बात करें तो लास्ट कोविड आया और आप सबको पता है कि सारी इंडस्ट्री बहुत स्लो डाउन हो गई, कुछ बंद हो गई, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सेक्शन था जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ पे इंडिया को या वर्ल्ड को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि हमने देश को भी सपोर्ट किया है। और दूसरा कंडीशन था कि जब भी हम कोई भी आजीविका चुनते हैं तो हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर हम एमवे को उस पैरामीटर पे चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि यहाँ का क्या इंटेंशन है। जब भी हम लोग या आप सब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इसको, इसकी नीड हमारे पकड़ में आ जाए या इसका जो ड्रीम है वो हम समझ जाए और इसको ग्रो करा ले जाए, वो जहाँ भी फंसा उससे निकालना है। हम हमेशा इंटेंशन अच्छा रखते हैं, इसीलिए हम उनको डेमो दिखाते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, तो हमारा इंटेंशन भी अच्छा होता है। और तीसरा रूल बताया गया कि शास्त्रों में कि जब आप पैसा कमाने जाते हैं तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो आपका ग्राहक है, जो आपका अन्नदाता है, उससे बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। फ्रेंड्स, अगर एमवे की बात करें तो हमारा डीएपी, एमआरपी, बायर प्राइस, टैक्स, जो हमारे पीसी के बेनिफिट हैं या आईडीआर, इसको तो सब कुछ ओपन फॉर ऑल है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है। यानी कि हम अपने अन्नदाता से कभी भी, ग्राहक से झूठ नहीं बोलते हैं। और सोसाइटी में एक एग्जांपल, बहुत टाइम से हम ये सुनते आ रहे हैं, इसको हम शेयर करेंगे कि जब हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं, सपोज साड़ी लेने गए और 1000 की साड़ी है, तो हम उनसे कहते हैं कि भैया थोड़ा कम कर दो, तो वो बोलते मैडम ये 9.5, बाई गॉड रोजी कसम ये 9.5 का है। यानी कि वहां पे वो अपने ग्राहक से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी को 9.5 बताते हैं, किसी को 8.5 बताते हैं। तो अगर हम उस पैरामीटर पे देखें तो हमारा बिजनेस अथेंटिक है, बेस्ट है। एमवे बिजनेस करने के टाइम हम प्राउड कर सकते हैं कि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में बताया गया कि जब हम काम करने निकले और गृहस्थ आश्रम में बहुत पैसा कमाने चले तो हम थोड़े रूल रेगुलेशन से चले, और उस पैरामीटर पे एमवे बिजनेस 100% सही साबित होता है। फ्रेंड, पैसा तो हम कमा लेंगे और वो जरूरी भी है, लेकिन पता है पैसे के साथ हमें कुछ और भी कमाना है, और वो क्या है उसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि वो क्या कमाना है, किसकी बात हम कर रहे हैं। पैसा चाहिए वो इस जीवन के लिए, जब तक ये जीवन है तब तक ही ये पैसा काम आएगा, लेकिन हम सब लोगों की यात्रा तो इस जीवन के आगे की है, हमें इससे आगे बढ़ना है। तो जब उस आगे की यात्रा में जाएंगे तो हम क्या कमा के जाएंगे, क्या बढ़ाना है हमें एक्चुअली। फ्रेंड्स, उसके लिए हम एक थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक बार एक गाँव में एक फेयर लगता है, मेला लगता है, और मेले पे जहाँ एंट्री होती है वहां बोर्ड पे लगा होता, आइए कमाइए, अपने धन को दूना करिए, 2 घंटे में 5 घंटे में 5 गुना, 10 घंटे में 10 गुना आइए। और यहाँ सब कुछ फ्री है, लंच फ्री है, गिफ्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत, और उसी के साथ उसके नीचे एक छोटा सा लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और उसी तरह का लीफलेट हर व्यक्ति को साथ में मिलता है। और बहुत सारे लोग वहां एंट्री करते हैं, उस मेले में जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो वहां तरह तरह की चीजें होती हैं, और जब एग्जिट का टाइम होता है, 4 बजे फिक्स होता है, तो एग्जिट का डोर ही नहीं ओपन होता है। सब लोग बड़े परेशान कि क्या करें क्या करें, और सबके हाथ में लीफलेट होता है, सब पढ़ना शुरू करते हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे ही ध्यान देते हैं कि ऊपर के तो स्लोगन सारे हैं कि आइए कमाइए 2 घंटे में 2 दुगना, और टर्म्स कंडीशन अप्लाई, और उसके नीचे लिखा होता है कि जो कुछ आपके पास है यही छोड़ के जाइए। आप सब समझ पा रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, यही हमारी लाइफ है।
कुछ भी कमा लेंगे, जाने के टाइम हमें छोड़ के ही जाना है, तो लेके क्या जाएंगे, लेके भी कुछ जाएंगे, जो इनटेंजिबल चीजें हैं जिसे हमें कमाना है। और पता है एमवे में पैसे का सेक्शन बहुत अच्छा और सुपर ग्रोथ है, और सब कुछ हम लोग अर्न भी करते हैं और करना भी है, क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में है, पैसे का काम पैसे से ही चलेगा। लेकिन उसके साथ हमें इनटेंजिबल चीजें भी कमानी है। पता वो इनटेंजिबल चीजें हैं क्या? वो इनटेंजिबल चीजें हमारे अनकंडीशनल लव एंड केयर, हमारा रिस्पेक्ट, हमारा रिकॉग्निशन। आपको पता है एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं करी, लेकिन आज हम जरूर बताएंगे, और ये इनटेंजिबल है। संगीता भाभी के यहाँ कोविड के पहले हमेशा लेडीज मीटिंग होती थी, आप सबको पता है, सभी जाते थे उस लेडीज मीटिंग में, सबकी टीम वहां जाती थी। और जब गैदरिंग ज्यादा हो जाती थी तो भाभी के पास एक छोटा सा स्टूल है, और मैंने देखा है, बहुत बार नोटिस किया है कि सब चेयर्स और सब फुल हो जाता था, तो वो स्टूल को लेके आती थी, बैठती थी, और कई बार हम लोग बोलते थे तो वो मना कर देती थी। और यही सेम चीज उन्होंने डायमंड शिफ्ट के बाद भी करी। जब वो लोग डायमंड हो गए भैया भाभी, उसके बाद हमारे टीम की एक मीटिंग थी जिसमें सोफा चेयर्स और सीढ़ियों सब पे बहुत क्राउड हो गया था उस दिन, और भाभी उस टाइम भी वो चेयर, वो छोटा सा उनका स्टूल है कुछ ब्लू कलर का आई थिंक, तो उसको लेके आई और वहां बैठी। फ्रेंड्स, अगर आम समाज में हम लोग नोटिस करें उस लेवल पे जाने के बाद, क्या इतना कोई, इतना जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है? क्या इतना कोई लविंग और केयरिंग हो सकता है? थोड़ा सा पैसा आता है ना, लोग उछलना शुरू कर देते हैं। और आप सबको पता है कि डायमंड, अभी एटलीस्ट जितने भी लोग हैं, हम सबको पता है कि डायमंड शिप क्या लेवल होता है, कितना कुछ आता है उसमें। तो ये जो क्वालिटी है, जो ये खास बात है, यही इंटेंजिबल है कि सिचुएशन कुछ भी हो, पहले या बाद, हर जगह हम इक्वल है, और इसे हमें कमाना। और थैंक गॉड के एमवे सिस्टम में ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। हमने देखा है संगीता भाभी को, अभी कुछ समय पहले हम लोग की लेडीज मीटिंग हुई थी, तो उसमें हम लोग लीडर्स, कुछ 4-5 लीडर्स हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, और संगीता भाभी ऑलवेज कहती है, आप सब बताइए, आप सब डिसाइड करिए, आप जो बोलिए। कभी भी वो जो उनका एक एक क्या कहेंगे, डायमंड शेप है, वो चीज, मतलब उसको अगर उस तरीके से देखा जाए तो वो ईगो में आता है, उस तरीके से वो रोल नहीं करती कि नहीं ये मैंने कह दिया इसको ही करना। वो हमेशा इतने सॉफ्ट तरीके से, इतने नॉर्मल ढंग से इस बात को रखती कि नहीं आप सब बताओ, आप सब जैसा कहेंगे डिसाइड करेंगे सब। और भैया भी हमेशा इस तरीके, जब भी कोई मीटिंग्स है कुछ भी है तो इस तरह की बात होती है। लेकिन हमने आम समाज में देखा है, जैसे मेरे हस्बैंड जॉब में ही है, तो वहां एक रूल निकलता है, कोई भी मैनेजर है उन्होंने एक चीज निकाल दी, ये सबको फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ये इसी तरीके से सबको चलना है। तो फ्रेंड्स, ये जो इनटेंजिबल चीजें है ना, यही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें आगे की जर्नी में, आगे की साइड जब हम जाएंगे, जो हमारे साथ जाएगा। क्योंकि ये बात तो सच है ना कि जो पैसा है वो इस जीवन के लिए ही है, और हमारी यात्रा इस जीवन के आगे की है। वो आगे की यात्रा जो है, अभी हम सिर्फ आधा पार्ट कवर कर पा रहे हैं, आधे के लिए कुछ तैयारी करनी है, कुछ चीजें ऐसी करनी है जो हमारे साथ जाएगी, हम सभी के साथ जाएगी, हर व्यक्ति के साथ जाएगी। हमें अपने हृदय को इतना विशाल करना है कि एक ही साथ में कैक्टस और लोटस दोनों साथ साथ एक ही हृदय में आ जाए। हमें अपने हृदय की विशालता को इतना बढ़ाना है कि वो बिना गुलाब के फूल वाला जो झाड़ होता है ना, जो कांटों से भरा होता है, बड़ा वाला, वो भी हमारे हृदय में आ जाए, और जैस्मिन फ्लावर भी आ जाए। और ये एमवे बिजनेस, आपको फ्रेंड्स हम बता दें, जितने भी नए लोग हैं, ये 100% ये दोनों साइड हर व्यक्ति का ग्रो यहाँ होता है, 100%। यहाँ हमारा पैसे का भी सेक्शन कंप्लीट होता है, और साथ में जो इनटेंजिबल है, लव, केयर, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें एक साथ बिल्ड होती हैं। और यही चीजों को हमें अपने साथ कमाना है, अपने जीवन में ऐड करना है। यही हमारा सही एक जीवन है, और ये जीवन में बहुत काम करेगा, जैसे भैया ने कहा कि अपने मन के मालिक। मन के मालिक तभी हम बनेंगे जब हम ऑलवेज प्रेजेंट में हो जाएंगे, वर्तमान में जब हम जीने लगेंगे। हमें किसी पास्ट या फ्यूचर हमें कोई इफेक्ट ही न डाले कि अरे उन्होंने उस दिन ऐसे बोल दिया, शायद उनका कोई और डायमेंशन होगा, मे बी हम समझ नहीं पाए, मे बी कोई थर्ड डायमेंशन को हमें समझना पड़ेगा।
हम लोग जब क्रिकेट का मैच होता है तो एक थर्ड आई अंपायर होता है ना, उस लेवल पे जाके हमें समझना पड़ेगा लोगों को और सीखना पड़ेगा। वो थर्ड डायमेंशन हमें अपने लाइफ में ऐड करना ही पड़ेगा। और जैसे ही हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को छोड़ेंगे और प्रेजेंट में रहने लगेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें समेटना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। जो अभी हमें चैलेंज लग रहा है वो ग्रेस हो जाएगा। जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं वही तो लगेगा कि यही तो ज़रूरत थी। जब इस बिजनेस में हम नए नए होते हैं, बिल्ड करते हैं, तो बहुत बार एकदम अपोजिट सिचुएशन होता है। कई बार मान लीजिए हमने 10 को कॉल किया, दो चार लोगों ने मना कर दिया, दो चार फोन कॉल नहीं उठाए, तो हम लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। पता है वो रास्ता आपको बिल्ड करने के लिए भगवान ने बनाया है, क्योंकि आप उसके बाद जब आप एक डिफरेंट जोन में होते हैं तो आप अपना एक आईक्यू लेवल डिफरेंट साइड में ले जाते हैं और अलग तरीके से सोचते हैं कि अच्छा इस तरीके से कॉल किए थे तो ये बात नहीं बनी, अब कौन सा और तरीका अपनाए। हम ग्रोथ की तरफ जाने लगते हैं, हम अपने अपलाइन से कनेक्ट होते हैं कि हमने वहाँ कॉल करी और रिस्पॉन्ड नहीं आया तो अभी क्या करें, अभी क्या चीज़ें सीखें। हमारे अंदर वो ग्रोथ आती है वो डिफरेंट वे से। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हम दोनों साइड से ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी को हमें पिक करना है, इसी को हमें समझना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ भी लाइफ में आता है हमें अपना कॉन्फिडेंस हमेशा साथ रखना है। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम इतना बताएंगे, अपनी कुछ एक दो बातें बताएंगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस की बात करें कि हम कैसे थे इस बिजनेस में आने से पहले। आप सब बहुत सारे लोग, नए लोग होंगे जिनको हम बिलीव दिला दें, बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी और कुछ एक दो मेरे फ्रेंड्स जो गाँव से जुड़े हुए हैं लेडीज, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि हम कैसे थे। मेरा पीजी का एग्ज़ाम था, एमए का एग्ज़ाम था यहीं से, और यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन समय उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको याद होगा ये घटना अच्छे से। और बहुत उत्साहित थे इस डिग्री के लिए हम, और मेरा लास्ट पेपर था। और उस टाइम होता ऐसे था कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता था हमको कोई साथ लेके जाता था, 3 घंटे वहाँ बैठा रहता था और वापस हम साथ में आते थे। मेरी सेल्फ इमेज इतनी लो थी। और जब लास्ट पेपर रह गया, उस दिन क्या हुआ कि बाई चांस इनका कुछ ऑफिशियल चैलेंज आ गया जिसकी वजह से ये साथ में नहीं जा पा रहे थे, तो हमने ये बोल दिया कि नहीं, हम अकेले तो जाएंगे नहीं, भले मेरा एग्ज़ाम छूट जाए, हम भले एग्ज़ाम ना दे पाए। मेरी सेल्फ इमेज ऐसी थी कि हम जिस एग्ज़ाम, जिस पेपर के लिए या जिस डिग्री के लिए इतने एक्साइटेड थे, वो एग्ज़ाम छोड़ने को रेडी हो गए कि कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है। मेरा सेल्फ इमेज इतना लो था। और उसके बाद फिर किसी तरीके से इनको छुट्टी लेना पड़ा और मुझे ले जाके एग्जाम दिलवाए। और फ्रेंड्स, हमें एक घटना और याद है कि संगीता भाभी का लेडीज मीटिंग था, पहली लेडीज मीटिंग में तो हम अपने हस्बैंड के साथ गए थे और दूसरे में इन्होंने कहा कि तुम खुद से जाना। अब मेरा घर 500-600 मीटर अंदर है थोड़ा, तो हम ऑटो तक किसी तरह पहुंचे चौराहे पे, और वहां पे जाके हमने 5 ऑटो छोड़ा। मतलब हर ऑटो में कोई ना कोई मेल पर्सन था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस ऑटो में बैठे अकेले। मैंने 5 ऑटो छोड़ा, उसके बाद मैं एक ऑटो किसी तरीके से करी और भाभी के यहाँ पहुंची, और पूरा शिवरिंग पसीने से लथपथ से सब कुछ। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में वो सब कुछ जो आप कहीं और तलाश कर रहे हैं, कुछ और देखना चाह रहे हैं, वो सब कुछ यही है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत भटकिए, सब कुछ यही है। तो अब बस हमें करना है अपना कर्म, और हमें कमाना है, पैसा तो कमाना ही है, साथ में लोगों का लव, अफेक्शन और केयर कमाना है, अनकंडीशनल, वहाँ कंडीशन लगानी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और मेरे साइड से इतना, थैंक्स अ लॉट।